नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस पे स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं कल के लिए कुछ स्टॉक लेवल्स लेके आया हूं आप लोगों के लिए, और पिछले दिनों में आप लोगों को मैंने कुछ वीडियो के द्वारा लेवल्स देने की कोशिश किए थे, पर मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से मैं भी सोचा कि थोड़ा मार्केट एक साइडवाइज ट्रेंड पे था, तो इसीलिए मैं कुछ लेवल्स नहीं दिया आपको, और मैं भी दूसरे काम में थोड़ा बिजी था, इसीलिए मैंने आपको कुछ लेवल्स नहीं दे पाया, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कोई बात नहीं, दोबारा मैं आप लोगों के लिए कुछ लेवल्स लेके आया हूँ मंडे के लिए, कल के लिए, और हम लोग देखते हैं कल मार्केट में क्या मोमेंट हो सकता है और क्या लेवल्स हम लोग देखेंगे, कौन से लेवल पे हमें बाई करना चाहिए, कौन से लेवल पे सेल करना चाहिए, वो सारा चीज़ हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप क्या मत कीजिए। वीडियो को स्किप करने से प्रॉब्लम ये आता है कि आप लोगों को लेवल पर कैसे काम करना होता है वो पता नहीं चलता है। आप सभी को मैं कोशिश करता हूँ हर वक्त सिखाने के लिए कि आपको कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि आप लोगों को लेवल्स के बारे में जानकारी नहीं मिलता है। प्रॉपरली आप वीडियो नहीं देखते हो तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन छूट जाता है, जिस कारण से आप लोग मार्केट में कोई कोई नुकसान होता है, कोई एक अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलता है किसी को, और बाद में कंप्लेन आता है कि आप के लेवल मैच नहीं करते। तो काइंडली प्लीज़, और प्लीज़ आप सभी को मेरा एक ही निवेदन है, काइंडली वीडियो को स्किप मत कीजिए, शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जो भी लेवल्स आपको मिलेंगे उन लेवल्स को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आप सभी के लिए मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ फ्रेंड्स। आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे लेवल्स निकालना पड़ता है, जो भी स्टॉक है उन स्टॉक का मोमेंट कैसे होगा वो सारा चीज़ देखना पड़ता है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर दबना चाहिए। तो जो भी मैं आपको आज लेवल देने वाला हूँ, काइंडली उन लेवल को आप फॉलो कीजिएगा। जो भी लेवल आपको मिलेंगे उन लेवल पे ट्रेड लीजिए, एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा। पर आपको ट्रेड लेने के साथ साथ आपको एक स्टॉप लॉस को ध्यान में रखना होगा, साथ ही साथ आपको स्टॉप लॉस और अपना टारगेट सही से लेना पड़ेगा। जो भी मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देता हूँ उन सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे ही आप मार्केट में ट्रेड लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कल के लिए क्या स्टॉक है। शुरू करना चाहता हूँ अशोक लेलैंड से। आपको मैंने प्रीवियस डे में बहुत सारा ट्रेड दिया मैंने अशोक लेलैंड पे, आपने देखा होगा करीबन 72 का एक टॉप लगाया मार्केट ने पिछले दिन। तो हम लोग देखेंगे कि अभी यहाँ से मार्केट को नीचे आना चाहिए या ऊपर जाना चाहिए। तो सिंपल सा एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि यहाँ से मार्केट को थोड़ा नीचे ज़रूर आना चाहिए। मेरे ख्याल से मार्केट को थोड़ा नीचे आना ज़रूर चाहिए, क्योंकि एक मोमेंटम होता है, आपको दिख रहा होगा मार्केट में एक प्रेशर बन रहा है ऊपर से, एक सेलिंग प्रेशर ऊपर से बनता हुआ दिख रहा है मुझे मार्केट में। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या रहेगा, उसी हिसाब से हमें मार्केट में ट्रेड लेना है। चलिए हम लोग चार्ट पे थोड़ा देख लेते हैं इसका सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या रहेगा। सपोर्ट मैं आपको सपोर्ट देना चाहता हूं अशोक लेलैंड का 69 का। जी हाँ, आपको आपको आपका इसको डे लो देखना पड़ेगा, आपका पिछले दिन का फ्राइडे का जो डे लो है 69 का डे लो है, नियरेस्ट लो के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा मार्केट ने ऊपर ओपन करके एक मारुबुजू कैंडल मार्केट ने बनाया है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर ही उम्मीद है मुझे, मार्केट को थोड़ा नीचे रिट्रेस होना पड़ेगा। तो कहाँ तक ये आ सकता है बहुत सारा चीज़ हम लोग अभी देखेंगे। 69 का सपोर्ट रहेगा, अगर 69 ब्रेक करता है तो 67 तक ये एक यहाँ पे एक सपोर्ट पॉइंट है 67 का। अगर 67 पे होल्ड करता है अशोक लेलैंड अगर 67 पे अगर होल्ड करता है तो मान के चलिए आपको यहाँ पे और एक हैडल आपका रहेगा 67, वहाँ से में भी एक बाइंग बन सकता है, पर मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए। अगर 67 को ब्रेक करता है तो तुरंत 63 का एक नीचे का आपका टारगेट रहेगा।
दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूं, अगर 69 के नीचे जाता है मार्केट तो आपका 67 का पहला टारगेट, 67 के नीचे जाता है तो 63 तक 3 का दूसरा टारगेट, और रेसिस्टेंस आपका सेम रहेगा 70 और 70 रहेगा, 70 के ऊपर आपका 73, अगर 70 के ऊपर चलने लगता है तो 73 का पहला टारगेट, अगर 73 के ऊपर सस्टेन करता है तो 77 और 77 के ऊपर 82। उम्मीद मुझे थोड़ा नीचे का है, देखिए 70 और 73 का रेसिस्टेंस एक हो सकता है, क्योंकि यहाँ से करीबन मार्केट को थोड़ा नीचे आना जरूर चाहिए, मेरा व्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट को नीचे आना चाहिए। मैंने आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस दोनों बता दिया हूँ, काइंडली सही से मार्केट में ट्रेड लीजिएगा। चलिए और एक स्टॉक देखते हैं, ITC पे। ITC मैंने आपको पहले दिन बहुत बार बताया कि मार्केट बहुत कोशिश कर रहा है ऊपर जाने का, अभी देखिए यहाँ पे एक प्रेशर जो है सेलिंग का प्रेशर जो था वो धीरे 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 हल्का होने लगा। जी हाँ, यहाँ पे मार्केट एक फिबो पॉइंट पे ही है, आइदर यहाँ पे इसको गैप अप करना पड़े या फिर यहाँ पे इसको अपना रेजिस्टेंस लेवल जो है उस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करना चाहिए, तब जाके आपको एक अपसाइड का एक अच्छा बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है ITC में। तो चलिए पहले देखते हैं इसका ITC का, मैं आपको चार्ट आपको दिख रहा होगा, मैंने ITC का यहाँ पे दो चार्ट आपको दिखाया हूँ, ये आपका बहुत मतलब छोटा छोटा बहुत क्लोज के चार्ट भी आपको आ जाएगा आगे। अभी देखिए आपका इसका टोटल चार्ट देखिए आप, ये मार्केट एक ही जगह पे बहुत दिनों से ऊपर नीचे एक 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 ही ट्रेंड पे मार्केट एक ही जगह पे मार्केट मोमेंटम कर रहा है आपको देख रहा होगा। तो ये अगर अपसाइड या डाउनसाइड ब्रेक करने की बहुत कोशिश किया मार्केट ने, यहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ ITC में। फिलहाल के लिए एक्सपेक्टेशन जो है दिख रहा है मार्केट में, एक ऊपर का एक लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट करने की लेवल पे मार्केट आ चुका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन से लेवल पे ये एक बड़ा मोमेंटम ऊपर के लिए दे सकते हैं, हम लोग वो देख लेते हैं। ITC का सपोर्ट मैं आपको देना चाहता हूं कल के लिए 196 का सपोर्ट रहेगा ITC का। अगर 196 अगर ब्रेक करता है तो करीबन 193 आप एक पकड़ के चलिए, अगर यहां तक मार्केट आ सकता है 196 के नीचे 193 के नीचे 191, तो अगर 191 ब्रेक करेगा तो 186 आपका फाइनल टारगेट रहेगा नीचे के लिए। तो बहुत नीचे भी आ सकता है, मैंने आपको क्लियरली बता दिया एक ही जगह पर ये ट्रेड हो रहा है मार्केट बहुत दिनों से। अगर डाउनसाइड ब्रेक करेगा तो एक बड़ा मोमेंटम डाउनसाइड, अगर अपसाइड ब्रेकआउट करेगा तो बहुत बड़ा आपको टारगेट ऊपर के लिए देखने को मिल सकता है आगे चल के। तो मैंने क्लियरली बता दिया 193 को पकड़ के चलिए, जिस दिन 193 टूट जाएगा, जिस दिन आपका 191 और 92 जिस दिन ब्रेक करेगा, एक बहुत बड़ा मोमेंटम नीचे के लिए आ सकता है। और रेसिस्टेंस आपको मैंने बता दिया, रेसिस्टेंस हम लोग देखते हैं 198 का रेसिस्टेंस रहेगा, 198 के ऊपर 201 का पहला टारगेट, 205 का दूसरा टारगेट और 205 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा 209 और 215 का टारगेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो जो भी सपोर्ट है जो भी रेसिस्टेंस है वो दो चीज़ों को आप जरूर याद रखिएगा, तो उसी हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। सपोर्ट रेसिस्टेंस पूरी मैंने आपको बता दिया हूँ, नोट करके ट्रेड लीजिएगा। और एक स्टॉक देखते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL पे हम लोग देखते हैं। BEL पे भी पहले आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट आप लोगों ने कमाया है और यहाँ पे मार्केट एक जगह पे कंटिन्यूसली ट्रेड हो रहा है। अगर ये यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लेवल को हम लोग वेट करेंगे कि कौन से साइड ये एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करता है, तो उसी हिसाब से हमें ट्रेड लेना है, यानी कि हमें एक प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट हमें एक मिले। तो यहाँ पे कौन से लेवल पे हमें ट्रेड लेना चाहिए मैं आपको पहले बता देता हूं। सॉरी, यहाँ पे आपका आपका यहाँ पे जो है सपोर्ट है, सपोर्ट मैं आपको पहले बताता हूँ 112 जहां पे क्लोजिंग किया है, थोड़ा नीचे क्लोजिंग आपका 112.10 रुपया यानी कि 10 पैसा के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो 112 का फाइनल सपोर्ट रहेगा, आपका सपोर्ट रहेगा 112,
अगर 112 अगर ब्रेक करता है वारत इलेक्ट्रॉनिक, तो समझ लीजिए 109 से लेकर 107 का एक टारगेट आपको देखने को मिलेगा। 109 अगर 109 अगर ब्रेक करता है तो 107, और पकड़ के चलिए अगर 107 ब्रेक करता है भारत इलेक्ट्रॉनिक तो 104 के नीचे एक आपका करीबन 96 तक एक लेवल आपको नीचे देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रहिए, मे बी अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो ये लेवल अचीव हो सकते हैं, अगर ये ब्रेकआउट करता है ऊपर के लेवल तो ऊपर के लेवल हम लोग अभी देख लेते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं आपको, 112 का सपोर्ट रहेगा, 112 के नीचे 109 और 107, 107 के नीचे 104, अगर 104 पे भी होल्ड नहीं करेगा तो 96 और 93 के लेवल दोबारा हमें देखने को मिल सकता है भारत इलेक्ट्रॉनिक पे। तो इसका रेसिस्टेंस लेवल क्या रहेगा, रेसिस्टेंस मैं आपको बता देता हूँ, रेसिस्टेंस रहेगा 114, परसों का फ्राइडे का जो टॉप है उसी में हम लोग रेसिस्टेंस मान के चले। अगर 114 के ऊपर चलता है तो 119, और 119 के ऊपर जाएगा तो 124 का एक टारगेट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप पहले 114 और 112 को पकड़ के चलिए, वही आपको ट्रेड लेने के लिए ज़रूर हेल्प करेंगे, क्योंकि उसी हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। जो भी मोमेंटम आपको मिलेगा, जो भी प्रॉफिट आपको मिलेगा, उन प्रॉफिट को बुक करके आपको एग्जिट करना है। तो यही होता है सेफ ट्रेडिंग, जो भी मैंने आपको पहले भी बहुत सारे लोगों को सिखाया है और मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, सेफ ट्रेडिंग ही करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपके सपोर्ट के नीचे लगना चाहिए और रेसिस्टेंस के ऊपर लगना चाहिए, उसी हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। अगर प्रॉफिट में है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, स्टॉप लॉस को शिफ्टिंग कीजिए, प्रॉफिट के नीचे करके स्टॉप लॉस को शिफ्ट करना चाहिए। चलिए और एक स्टॉक देखते हैं, फाइनल स्टॉक वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड पे बहुत सारे लोगों को मैंने ट्रेड दिया था, शायद आपका वेडनेसडे और थर्सडे ये दो दिन मार्केट में एक अच्छा मोमेंट हम लोग एक्सपेक्ट किए थे, पर इतना अच्छा मोमेंट नहीं मिला था। करीबन आपका मंडे और ट्यूसडे एक अच्छा मोमेंट मिला था, तो उस दिन हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोगों ने जरूर कमाया था, क्योंकि हम लोगों ने पहले सेल पे हम लोगों ने एक अच्छा प्रॉफिट कमाया, उसके बाद हम लोगों ने बाइंग का पोजीशन लिए थे, तो वहाँ पे भी एक अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिला था। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कल के लिए इसमें क्या लेवल हो सकता है और कौन से लेवल पे हमें एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। वेदांता लिमिटेड का मैं सपोर्ट आपको देना चाहता हूँ, आपके सामने आपका चार्ट आपको दिख रहा होगा और मैं डायरेक्टली चार्ट पे एनालिसिस करके बताऊंगा। 129 जो आपका डे लो है, फ्राइडे का जो डे लो है, 129 का ही सपोर्ट मैं आपको देना चाहता हूँ। 129 के नीचे अगर 129 ब्रेक करके अगर उसके नीचे सस्टेन करता है तो 126 आपका पहला टारगेट रहेगा, और उसके नीचे मैं और नहीं देना चाहता हूं, और क्योंकि मार्केट इसी बीच ही मार्केट को रहना है, और मुझे थोड़ा उम्मीद है जो है वो थोड़ा ऊपर का उम्मीद है। तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं, 129 अगर ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो 126, और रेसिस्टेंस मैं आपको देना चाहता हूं 132 का रेसिस्टेंस, 132 का रेसिस्टेंस रहेगा, 132 के ऊपर 136 और 140 का एक टारगेट। मैं 140 डायरेक्टली टारगेट बता देता हूं, पर उसी बीच में एक छोटा सा हल्का एक रेसिस्टेंस में भी मार्केट फेस कर सकता है 136, तो ध्यान रहिए 136 में भी थोड़ा एक इतना भी स्ट्रांग रेसिस्टेंस नहीं हो सकता है, फिर भी आप लोग उसको रेसिस्टेंस मान के चल सकते हैं। तो वहां से अगर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कर रहे हो तो आप 136 के नीचे स्टॉप लॉस रख के दे सकते हो, अगर मार्केट 136 के ऊपर चलने लगे तो आप स्टॉप लॉस को ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना जानते हैं, उन लोग स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करना है उन्हें सही से ये चीज़ पता है। तो मैंने आपको बता दिया सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपका वेदांता लिमिटेड का, साथ ही साथ अशोक लेलैंड, ITC और भारत इलेक्ट्रॉनिक, इन सभी स्टॉक के लेवल मैंने आपको बता दिया हूँ। और मैं आपको एक ही चीज़ ही निवेदन करूँगा, जो भी स्टॉक के लेवल आपको मिले हैं काइंडली उन लेवल्स को आप फॉलो कीजिए। ऐसा एक
वीडियो मेरा जो भी है जो मुझे सेंड की, मुझे कमेंट करके बताइए, उसमें फीडबैक दीजिए। जो भी लेवल मैंने दिया था वो लेवल अचीव नहीं हुए होंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा वो वीडियो के द्वारा। और ऐसा कोई वीडियो भी नहीं है जहां पे मैं जो लेवल दिया हूं उन लेवल अचीव नहीं हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा एक ही निवेदन है, जो भी लेवल आपको मिल रहे हैं उन लेवल के हिसाब से अपना ट्रेड ज़रूर लीजिएगा और एक अच्छा प्रॉफिट आप मार्केट में ज़रूर कमाइए, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है आप लोग प्रॉफिट कमाएं और आप लोग को नॉलेज ज़रूर मिले। आप सभी के लिए इतना मैं कोशिश करके वीडियो बनाता हूँ, तो आपके तरफ से एक लाइक और एक सब्सक्राइब का बटन आपको तरफ से ज़रूर दबना चाहिए। अगर थोड़ा वक्त है कि मेरे वीडियो में और मेरे सिखाने में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो फीडबैक के तौर पे एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही वैल्यूबल है। और अगर आपके पास थोड़ा वक्त है, अगर आप लोग चाहते हो ये चैनल का ग्रोथ हो, आप वीडियो को ज़रूर दूसरे के साथ शेयर करके इस वीडियो का लिंक दे सकते हो। आप जैसे प्रॉफिट कमा रहे हो, नॉलेज आपको मिल रहा है, वैसा नॉलेज और प्रॉफिट सबको मिले, इसीलिए अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो का लिंक दूसरों के साथ आप शेयर करके आप उन्हें भी प्रॉफिट दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा और आज के लिए इतने फ्रेंड, धन्यवाद।